नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, अपन टैली ओपन कर लेते हैं, सीधा उसमें काम करना चालू कर देते हैं, या तो कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन टैली के अंदर में कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सेटिंग्स है जो अपने बहुत काम आ सकती है, यानी कि आप टैली को थोड़ा सा फास्ट भी इससे बना सकते हैं और कुछ उसके डिस्प्ले वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सारी सेटिंग्स और अपनी भी टैली में ये सारी सेटिंग्स कैसे करना है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं अपनी टैली यहां पे स्टार्ट करता हूं और आप देखना इसमें चेंजेस आपको क्या क्या दिखते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे मैंने टैली यहां पे स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना यहां पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं अगर डैशबोर्ड से बैक करूं, यहां पे वापस जाऊं, तो आप देख सकते हैं मैं जिस भी कंपनी में काम करता हूं सारी की सारी कंपनी यहां पे ओपन हो चुकी है। इवन मेरे कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में वो डाटा रहेगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मुझे उस फोल्डर में जाके उसका पथ कॉपी करके यहाँ पे खोलने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आप यहाँ पे मेन स्क्रीन में देखिए, गेटवे ऑफ टैली के अंदर में यहाँ पे एक रिपोर्ट्स के अंदर आपको एक नई चीज़ दिख रही, फाइनल अकाउंट्स करके। इस फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे तो ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के अंदर में दिख जा रही हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स अपन कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे सारी कंपनीज ऑटोमेटिक कैसे ओपन होंगी। आपके किसी भी फोल्डर में रहे कंपनी वहीं से ही यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके अलावा ये फाइनल अकाउंट्स कैसे आएगा, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, टैली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हेल्प में चले जाना है। यहाँ हेल्प में जाने के बाद में आपको इधर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में सबसे पहले अपने को जाना है दोस्तों स्टार्टअप के अंदर में। तो स्टार्टअप के अंदर में जाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप करके इसको आप यस कर दीजिए। कितनी कंपनीज लोड करनी है जैसे ही आप टैली स्टार्ट करें, जैसे मेरा यहाँ पे अभी 4 कंपनी ओपन है तो आपको यहाँ पे 4 सेलेक्टेड करके दिख रहा होगा। तो आप कितनी कंपनीज ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे आप इंटर करिए। इंटर करने के बाद में अब जैसे ये सारी कंपनी तो आप ऐड कर लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पथ भी डला हुआ है साथ ही साथ। तो पथ यहाँ पे डला हुआ है, एक तो आपका जो भी डेटा वाला फोल्डर है वहाँ से तो आप कंपनी सिलेक्ट ही कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप अदर ड्राइव से भी कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते। आप यहाँ पे स्पेसिफाई पथ कर दीजिए जहाँ पे भी आपका कंपनी का डेटा है। एक बार आप यहाँ पे पथ डाल के रख दीजिए, हमेशा आपका वही वाला डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोग करते क्या थे, इधर कंपनी में गए फिर यहाँ पे पथ कॉपी करते थे फिर पेस्ट करते थे तब वो कंपनी ओपन होती थी, या तो ड्रैग ड्रॉप करके टैली के ऊपर वो कंपनी ओपन करते थे। लेकिन इस फीचर से क्या होगा कि कहीं पर भी आपका डेटा पड़ा रहे, जो भी आप यहाँ पर पथ डाल देंगे वहाँ से ये टैली कंपनी आपकी ओपन करके दे देगी। तो यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी कंपनी लोड ऑन स्टार्टअप में रख सकते हैं ओपन। जैसे ही आपकी टैली ओपन हो तो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे आके खुल जाएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड ऑन लोडिंग ए कंपनी। जैसे आपकी फर्स्ट कंपनी ओपन हो उसका डैशबोर्ड भी वहाँ पे दिख जाए। तो ये वाला ऑप्शन भी आप यूज करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब टैली प्राइम 4 में डैशबोर्ड फीचर अपन यूज कर ही रहे हैं, तो आपका सुबह सुबह जैसे ही टैली ओपन करेंगे सबसे पहले आपकी सारी रिपोर्टिंग आपके आँखों के सामने होगी। तो इससे आपको वर्क करने में भी मदद मिलेगी, आपको कौन कौन से रिपोर्ट साथ सेंड करने हैं, क्या MIS रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है, तो सारा डिटेल आपके सामने होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन इन फुल स्क्रीन करके। तो फुल स्क्रीन जैसे अपना अभी फुल स्क्रीन पे है वैसे ही फुल स्क्रीन पे स्टार्ट हो, तो इसको भी आप यस करके रखिए। तो आपकी जो कंपनी लोड होनी है वो वाली सेटिंग हो गई, डैशबोर्ड वाली, ये दो सेटिंग्स यहाँ पे मेन हो गई दोस्तों। और फिर नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे हेल्प में ही सेटिंग में ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर में जाना है। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे आप यहाँ पे शो मोर कर सकते हैं। तो शो मोर करेंगे तो इधर आपको रिपोर्ट्स, टेबल, नंबर फॉर्मेट, एप्लीकेशन, कलर एंड साउंड, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है दोस्तों डिस्प्ले नेम फॉर लेजर एंड ग्रुप्स करके। तो आप पूरे टैली में कहीं भी कुछ भी आप लेजर ओपन करें, ग्रुप ओपन करें, वहाँ पे आपको नाम क्या दिखाई दे, यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एलियाज के साथ में नाम भी दिखे, यानी कि आपको दोनों चीज़ें दिखे। आप पूरे टैली में कहीं भी रहें आपको एलियाज भी शो करे, नेम भी शो करे। तो आप इस चीज़ को यहाँ से सेट करके रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि अरे यार मेरा इसमें एलियाज का नाम मैंने क्या डाल के रखा था, क्या नाम सर्च करूँ, उनको रिपोर्ट्स वगैरह में एलियाज का नाम चाहिए होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पे आप एक बार सेट कर देंगे तो आपके पूरे टैली में वही चीज़ दिखेगा, सेम चीज़।
उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन है दोस्तों डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम। तो यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है कि आप स्टॉक आइटम का क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और नेम शो कराना है। जैसे अपने स्टॉक आइटम के नेम के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी शो कराना है, डिस्क्रिप्शन में अपन कुछ मेजर डिटेल डाल के रखते हैं, उसका पार्ट नंबर भी शो करना चाहिए, एलियास शो करना चाहिए। तो किसके साथ में क्या क्या चीज़ें आपके रिपोर्ट में वाउचर क्रिएट करते समय स्टॉक आइटम का डिटेल जहां भी डालना है वहां पे आपको कौन कौन सी चीज़ें शो करनी चाहिए, आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा इसका स्टॉक आइटम में चेंज करने वाला, कि अपने को अगर डिस्क्रिप्शन भी हर जगह शो करना है वहाँ पर अपने को दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन फिल्टर वगैरह लगा के क्या क्या नहीं सर्च करते, लेकिन ये सेटिंग आप एक बार कर देंगे तो आपको हर जगह वो चीज़ दिखती रहेगी। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और फिर जो लोग पेरोल वगैरह की एंट्री मेंटेन करते हैं तो नेम ऑफ एम्प्लॉय करके भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो पेरोल के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको सिर्फ एलियास दिखाई दे कि नाम के साथ में भी दिखाई दे। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्राफ्स इन मंथ समरीज करके, अगर आप इसको यस रखते हैं तो जैसे अपन मंथली समरी ओपन करते हैं, मैं एक टैली और अलग से ओपन करता हूँ, ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो अभी जैसे मैंने ये ग्रुप ओपन किया, अब आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कुछ ग्राफ टाइप के दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर में मई में ग्राफ ऐसा था, नवंबर में ग्राफ थोड़ा सा हाई है। तो ये वाले ग्राफ को अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे यस करके रखिए, अगर आपको उसको बंद करना है वो ग्राफ ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे रिजाइंड रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए है, जो लोग पेरोल मेंटेन करते हैं वो यस नो कर सकते हैं। उसके बाद फिर शो फाइनल अकाउंट्स मेनू इन गेटवे ऑफ टैली। अभी मैंने जो आपको दिखाया था जो अपना फाइनल अकाउंट्स करके दिख रहा था वो कैसे लेके आना है, तो यहाँ पे आप जैसे रिपोर्ट्स में गए फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये सारी चीज़ें आपके फाइनल अकाउंट्स वाले फोल्डर में दिख रही हैं, नहीं तो पहले बाहर में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस ये चीज़ दिखता था, अभी आपका फाइनल अकाउंट्स में ये बाकी सारी चीज़ें भी साथ में आ रही हैं, सब कुछ यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये वाला भी आप जो फाइनल अकाउंट्स लेके आएंगे वो यहाँ से लेके आएंगे, आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये आपका वहाँ पे सो फाइनल अकाउंट्स वाला ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। अब इसमें दोस्तों है डिफ़ॉल्ट फिल्टर मोड, आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इधर कहीं भी गया किसी भी लेजर के अंदर गया, अब मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है कोई चीज़ फिल्टर है, जैसे मैं अप्लाई इधर करता हूँ तो ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं इधर बेसिक फिल्टर ही लिख के आ जाता है। अगर अपने को मल्टी फिल्टर या एडवांस फिल्टर में जाना है तो अपन यहाँ फिर साइड में जाते हैं, तो ये बेसिक फिल्टर की जगह में और कुछ दूसरा फिल्टर आपको अगर रखना है तो बेसिक फिल्टर की जगह आप मल्टी फिल्टर एडवांस फिल्टर रख सकते हैं, तो आपका वही वाला फिल्टर तुरंत ही ओपन होगा जैसे ही आप फिल्टर पे जाएंगे। उसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट है अपना टेबल से रिलेटेड, जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो आप कर सकते हैं। सर्च बिहेवियर इन टेबल करके है, लिस्ट एलियास फॉर मास्टर इन ऑल लैंग्वेजेज आपको चाहिए तो सभी लैंग्वेज डिस्प्ले लैंग्वेज ओनली। उसके बाद फिर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम विदाउट क्वांटिटी इन वाउचर्स करके, तो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए, ये टेबल से रिलेटेड हैं, जो भी आपके रिपोर्ट्स बनते हैं जो भी आपके टेबल्स बनते हैं टैली के अंदर में उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपका जो करेंसी सिंबल है रुपीज़ का वो भी आपको ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आप इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे टोटल अमाउंट अगर आए तो उसके साथ में वहाँ पे रुपीज़ वाला सिंबल लगा रहे तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। और भी जगह में जहाँ पे भी आपका वो सिंबल आएगा रुपीज़ वाला, जैसे मैं कोई एंट्री अभी जैसे ये सेल्स की एंट्री अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो अब जैसे यहाँ पे ये करेंसी सिंबल अपना लगा हुआ है तो इस तरीके से आप सिंबल्स को भी यूज कर पाएँ तो इसको आप यस करके रख सकते हैं। और भी यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट किस तरीके से दिखाई दे वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, क्रेडिट पहले लिखा रहे क्रेडिट बाद में लिखा रहे, यहाँ पे प्लस माइनस वाला भी हो गया किस तरीके से ब्रैकेट में ऐसा दिखे। तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप कंपनी स्टार्ट करने से पहले सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर एंड साउंड वाला सेटिंग आता है दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट में एक आप देखेंगे इनेबल साउंड करके है, तो मैंने इसको नो करके रखा हुआ है, तो इसको अगर आप यस करेंगे तो जितनी भी बार आप टैली में बैक करेंगे क्लिक से आवाज़ आएगा, कहीं भी आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे बैक करेंगे इंटर करेंगे क्लिक क्लिक ऐसा आवाज़ आता है टैली में, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए वो सारी आवाज़ें तो आप यहाँ पे यस करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर कलर वगैरह इनेबल करना है आपको, डिसेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कलर अपने को अगर हटाना है अभी जैसे आपको ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, अपन इसको अगर नो करते हैं तो आप देख सकते हैं ये डल टाइप का थोड़ा सा ब्लैक कलर हो गया, और इसका ब्राइटनेस वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड में आपको सॉफ्ट चाहिए एकदम ब्राइट चाहिए आपसे चेंज कर सकते हैं, आप कलर वाले में भी ब्राइट और सॉफ्ट वाला यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके आँखों में चुभ रहा है आपके सिस्टम का जो भी डिस्प्ले है तो उसको आप सॉफ्ट या ब्राइट अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे।
तो ये थी दोस्तों अपनी कुछ सेटिंग्स जो आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद में आप जैसे ही टैली स्टार्ट करते हैं आप इसको कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।